हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं 11 बजे से, मतलब कि अभी दिन के 11 बज रहे हैं। हम लोगों का ब्रेकफास्ट हो गया है और अब मैं यहाँ बनाने जा रही हूँ पीहू के लिए, अपनी बेबी के लिए टमाटो सूप। तो मैंने सोचा आज मैं आप लोग के साथ टमाटो सूप की रेसिपी शेयर करती हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पर 2 टमाटर धुल के ले लिए हैं और इसमें मैं ऐसे क्रॉस करके एक प्लस का निशान चाकू से लगा रही हूँ। क्यों लगा रही हूँ आगे आपको पता चलेगा। तो मैंने को पानी उबलने को रख दिया है। जैसे जैसे पानी उबलेगा तो जो कट लगा है ना, उसी कट से जो छिलके हैं वो अपने आप पील हो जाएंगे। तो आप बहुत इजीली अपने टमाटर को पील कर सकते हैं। लेकिन जब ये उबल जाएंगे तो उसके बाद हमें इसको उठा करके ठंडे पानी में डाल देना है। अभी आप देखिएगा, ठंडे पानी में डालते ही पूरा का पूरा छिलका अपने आप निकल जाएगा। तो मैंने इसलिए आपके साथ ये शेयर किया कि अगर आप टमाटो सूप बनाते हैं और छिलका निकालने के लिए परेशान हैं, तो अब आपको छिलका पील करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए, आधा छिलका तब निकल गया था बॉईल करते वक्त और आधा अब पूरा निकल गया है। अब मैंने एक कढ़ाई चढ़ाई है, उस पर गरम कर रहा है और मैं यहाँ पे थोड़ा सा देसी घी डाल रही हूँ और उसमें डालूँगी थोड़ा सा बटर और साथ में मैंने कुछ प्याज कट कर लिया है, लहसुन है और काली मिर्च है। इसको मैं हल्का सा सौते करूँगी, मतलब कि थोड़ा सा फ्राई करूँगी। 2 ही काली मिर्च ली है क्योंकि नहीं तो वो बच्चों के लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो बहुत तीखा हो जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। उसके बाद साथ ही साथ मैं टमाटर को भी पील कर रही हूँ और जब ये भुन जाएगा तो फिर मैं इसमें टमाटर भी डाल करके उसे भी अच्छे से फ्राई कर लूँगी। मेरा प्याज और टमाटर भुन गया था, फिर मैंने उसे मिक्सर ग्राइंडर में थोड़ा सा पानी डाल करके पीस लिया है। अब फिर से मैंने कढ़ाई ली है, उसे थोड़ा सा वॉश कर दिया है और फिर बटर डाल दिया है। अब मैं वो प्यूरी जो मैंने पीसी थी वो मैं एक स्ट्रेनर से लेके छानते हुए इसमें कढ़ाई में डालूंगी। अगर आपके पास बड़ा स्ट्रेनर है, मतलब कि बड़ी छन्नी है, तो आप उससे एक साथ आराम से छान सकते हैं। मेरे पास बड़ी छन्नी नहीं है तो मैं यहाँ पर अपनी चाय छानने वाली छन्नी जो है उसी से ही छान रही हूँ। धीरे धीरे करके 2-3 बार में मैंने उसको छान लिया है अच्छे से, उसका सारा पल्प जो है वो निकाल लिया है और गाढ़ा वाला चीज हटा करके फिर से मिक्सी में एक बार पीस करके मैंने उसको फिर से छान लिया है। तो इस तरह करके मेरा सारा जो टमाटो का सूप है वो, मतलब जो जूस है वो निकल आया है। और अब मैं इसको पकाऊंगी, उसके बाद मैं थोड़ी सी चीनी डालूंगी और थोड़ा सा नमक डालूंगी। आप चाहें तो आप काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने काली मिर्च पहले भी डाल दिया है तो ना ही डालें तो अच्छा है, वरना बच्चों को ज़्यादा तीखा लग सकता है। मीठा चीनी आप अपने हिसाब से डालें, ज़्यादा या कम। अगर आप बड़े लोग खा रहे हैं तो आप इसमें शुगर ना ही डालें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन बच्चों को थोड़ा टैंगी पसंद होता है तो खट्टा मीठा नमक नमकीन पूरा टेस्ट आएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे शुगर डाली है। अब इसमें आप क्रीम भी डाल सकते हैं, तो आप चाहें तो मार्केट की अमूल क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ थोड़ी सी मलाई ली है, उसे अच्छे से फेंट लिया है और मैं इसी से ही इसमें थोड़ा सा मलाई डाल दूँगी पहले गैस बंद करने के बाद, और फिर जब निकालूँगी बाउल में तो गार्निशिंग के टाइम भी थोड़ा सा डाल दूँगी। Thank you.
वेलकम बैक। और अभी जैसा कि आपने देखा, मैं बना रही थी टमाटो सूप। तो मैंने टमाटो सूप बना लिया है और खिला भी दिया है टमाटो सूप, खा लिया पीयू ने। बस मैंने उसमें थोड़ा सा मलाई डाला था ना, तो वो उस बच्चों के मुंह में तो मलाई फंसती है, आप लोग को पता ही है, तो वो उनके मुंह में बार बार फंस रही थी, तो उसे थोड़ा कम पसंद आया। बाकी बहुत अच्छा बना था, टेस्ट अच्छा था। आप लोग चाहें तो शुगर थोड़ा कम भी डाल सकते हैं, ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। और वो देखिए पीहू ने क्या अपने पूरे खिलौने फैला रखे हैं। और चलिए फिर अब मैं बना लेती हूँ खाना, क्योंकि टमाटो सूप तो बन चुका है कि पिला भी दिया है गर्मा गर्म, अब सिर्फ बचा है खाना बनाना। तो मैं खाना बना रही हूँ आज छोले चावल रोटी और चटनी सलाद। तो ज़्यादा रेसिपी रिकॉर्ड नहीं करूँगी, क्योंकि एक रेसिपी मैंने डाल ही दी है टमाटो सूप की, और राजमा तो पहले मैं बना ही चुकी हूँ। तो बस जल्दी से चलिए लंच कर लेते हैं, बातें बहुत करती हूँ मैं, चलिए फटाफट कर लेते हैं, बनाते हैं लंच और करते हैं। तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में नहीं, मैं मिलूँगी आपको लंच करने के बाद। चलिए तब तक के लिए बाय। गुड इवनिंग। मैं लंच के बाद आपसे बात नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैं सुलाने लगी थी पीहू को, उस वजह से मैंने सोचा चलो मैं सुलाने के बाद आप लोगों से बातें करूँगी। बट मैं अपने एडिटिंग वर्क में लग गई, और एक दो लोगों को जिनको मैं फॉलो करती हूँ, जिनके मैं वीडियोज़ देखती हूँ, मैं उनके वीडियोज़ देखने लगी। फिर मैं उठी, चाय वाय बनाया, चाय पी ली है, पीहू उठी, फिर मैंने उसे शाम का इवनिंग स्नैक्स दिया। तो ये सब हो चुका है सारा काम, और अभी टाइम हो गया है शाम के 6:00। तो मैं सोच रही हूँ कि जाती हूँ नीचे, थोड़ा सा सामान लेकर के आती हूँ, दूध ख़त्म हो गया है, दूध लेने जाऊँगी। मौसम साफ़ है, बिल्कुल भी बारिश का अभी कोई सीन नहीं लग रहा है। और टमाटो सूप अच्छा बना था, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। और मैंने जो आपको पील करने का स्टाइल बताया है टमाटो को, वो इस एक बार ट्रिक जो है, हैक जो है, आप उसको ज़रूर अप्लाई करिएगा, मतलब ट्राई करिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। उस तरीके से आप तुरंत ही टमाटो को पील कर सकते हैं, वरना छिलके उतारने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो बस यही था। और आप लोग के जो मैंने YouTube छोड़ने वाली बात करी थी, उसमें आप लोग ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स लिखे हैं ना, कि दी प्लीज़ आप YouTube ना छोड़ो, आप मेरी फेवरेट यूट्यूबर हो और आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो, ऐसे करके आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं। तो थैंक यू सो मच आप लोग के इतने प्यार के लिए। बट सच में कभी कभी ऐसा लगता है ना, YouTube छोड़ दूँ, क्योंकि जितनी मेहनत करते हैं ना, मतलब मुझे लगता है मैं जितनी मेहनत करती हूँ उतना मुझे फल नहीं मिलता, या क्या पता नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही, मतलब कभी कभी होता है डीमोटिवेट हो जाती हूँ, बट मैं बिल्कुल भी YouTube नहीं छोड़ूंगी, मैंने अपना इरादा बदल दिया है आप लोग के प्यार की वजह से और आपके सपोर्ट की वजह से। तो अभी YouTube छोड़ने का कोई भी प्लान नहीं है, बस थोड़ा सा मन उदास था, क्योंकि मैंने एक वीडियो डाला था कि आज मतलब मुझे बेटी होने पे होता है अफसोस, ऐसा करके एक वीडियो था। तो वो वाला वीडियो पता नहीं लोगों ने देखा नहीं या क्या हुआ, लोगों को नोटिफिकेशन नहीं आया, किस वजह से उस वीडियो को लोगों ने नहीं देखा मुझे नहीं पता चला। लेकिन उसमें ना व्यूज़ बहुत कम आए, मतलब सारा दिन में 24 घंटे में अगर बोलें तो उसमें व्यू आए थे कुछ 220 व्यू 24 घंटे में। मतलब मैं 10 बजे सुबह वीडियो पोस्ट करती हूँ, तो अगले दिन सुबह 10 बजे भी 220 ही व्यू थे। तो मतलब वो देख करके मेरे को बहुत अजीब लगा यार, 6000 की फैमिली है हमारी, 6K की फैमिली है, एटलीस्ट 1000 व्यू तो हो ही जाने चाहिए। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा, तो मेरे मन में आया तो मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दिया था कि मैं YouTube छोड़ रही हूँ। बट मैंने जैसा कि आपको बताया, मैंने अपना इरादा बदल दिया, ऐसा कुछ भी मैं करने वाली नहीं हूँ। आप लोग के प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है, ऐसे ही प्यार देते रहिए, कमेंट करते रहिए और मुझसे जुड़े रहिए। तो बस यही है, चलिए फिर थोड़ा सा काम कर लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं नीचे। मौसम ठीक है, साफ़ है, थोड़ा घूम के आते हैं, पीयू को घुमा के आते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। चलिए
चलते हैं साथ में। तो ये जो मैदान आप देख रहे हैं, यहाँ पे दुर्गा जी सजती हैं, नवरात्रि चालू होने वाले हैं और यहाँ पे डांडिया का प्ले भी होता है, तो बहुत जल्दी यहाँ पे डांडिया स्टार्ट हो जाएगा, नवरात्रि आने वाली हैं। और अगर व्लॉग में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं। तो मैं घर आ गई हूँ और ये दूध मैंने उबलने के लिए रख दिया है गैस पर, और अब मैं बनाऊँगी डिनर। अभी आज पीहू के डैडी घर पर नहीं थे तो डिनर मैं आराम से बनाऊँगी, तो चलिए फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। हम लोग वापस आ गए हैं और अभी अभी मैंने दूध उबलने को रख दिया है और टाइम हो गया है 7 बज रहे हैं, शाम हो गई है एकदम, देखिए रात हो गई है ये देखिए। और चलिए फिर आज का व्लॉग मैं यहीं पे फिनिश कर देती हूँ। व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं आपसे कल अपने एक और इंटरेस्टिंग से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। से बाय, से बाय, नो आप से मत बोलो, आप बोलो बाय बाय, बाय बाय, गुड नाइट। तो मैंने अपना व्लॉग फिनिश कर दिया था, बट उसके बाद ही जब मैं खाना बना रही थी तभी एक पार्सल आया है, मैंने कुछ सामान मंगाया था ऑनलाइन तो वो आ चुका है, तो मैंने सोचा चलो आप लोग के साथ ये भी शेयर कर देती हूँ। मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर रही हूँ कि ये कितना अच्छे से पैक है, और मैंने जो जो सामान मंगाया है मैं उसका धीरे धीरे आपको रिव्यू बताती रहूँगी, पहले मैं इसको यूज़ करूँगी। एक्चुअली आजकल मेरा हेयर फॉल बहुत तेज़ी से हो रहा है तो मैंने कुछ कुछ चीज़ें मंगाई हैं तो वो सब मैं आपको दिखाऊँगी। और देखिए मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ कि क्या क्या सामान है, कुछ इतना सामान है, इसमें कुछ मेरा सामान है कुछ मेरे हस्बैंड का है, तो हम दोनों ने मिलकर के ये सामान मंगाए हैं और फिर जब हम लोग यूज़ करेंगे तो उसके बाद फिर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपको कल।